बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ 19B सूप की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत टेस्टी सूप तैयार होता है। चिकन की आधा किलो हड्डियां लेकर मैंने इसमें साबुत लहसुन, अदरक, गाजर, काली मिर्च और प्याज को डालकर सूप तैयार कर लिया है। और सब्जियों को मैंने बारीक काट लिया है। जिन जिन सब्जियों को मैंने काटा है उनमें शामिल है एक गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, आधा आलू, फ्रेंच बीन्स, ये फूल गोभी को भी बारीक काट लिया है और ब्रोकली को भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। इस सूप में जो स्पाइसेस जाएंगी उनमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1/2 टीन स्वीट कॉर्न शामिल होंगे, ब्लैक ऑलिव, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया, 1 टेबलस्पून मक्खन, 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ और 1 टेबलस्पून अदरक चॉप किया हुआ, 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 पैन को गर्म किया, उसके अंदर मक्खन को शामिल किया, मक्खन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर लहसुन को शामिल करना है। अब इसके अंदर अदरक को शामिल करना है। लहसुन और अदरक को हल्का सा भूनना है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। अब सबसे पहले इसके अंदर गाजर को शामिल करना है। अब इसके अंदर आलू को और फ्रेंच बीन्स को शामिल करेंगे। फूल गोभी और ब्रोकली को शामिल करेंगे। अब इसके अंदर शिमला मिर्च को शामिल किया। अब बंद गोभी, स्वीट कॉर्न को एक ग्राइंडर में डालकर ब्रिक पीस लेना है। थोड़ी सी कॉर्न मैंने कुंडी में कूट लिए। सब्जियों में ग्राइंड किए कॉर्न शामिल कर दिए। अब कूटे हुए कॉर्न्स भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसमें सूप को शामिल किया। अब सूप को ढककर उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक बॉयल ना आ जाए। सब्जियों को मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना, वो हल्की हल्की सी करंचियां तो बहुत मजे की लगती हैं। अब इसके अंदर तमाम स्पाइसेस जाएंगे, नमक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, टमाटो केचप, चिली सॉस, सिरका। दो साबुत हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर दूंगी। अब सूप में आधे लीमू का जूस शामिल करूंगी। उतना कॉर्नफ्लोर ऐड किया जाएगा जितना सूप को थिक रखना है। अब सूप को बॉल में निकाल कर ऊपर ऑलिव को रख देंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया।